हेलो स्टूडेंट्स वेरी वॉम वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू नाउ व्हाट एग्जैक्टली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट आई थिंक इज क्रिस्टल क्लियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू इट इज जे एडवांस पैटर्न क्वेश्चन एक्सरसाइज एंड चैप्टर आपका वेल नोन वेरी फेवरेट वेरी इंपॉर्टेंट वेब ऑप्टिक्स ठीक है सो so, इसका एक, एक एपिसोड इस सीरियल का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है ना दिस इज़ द सेकंड एपिसोड एंड फिर टाइम टू टाइम हम लोग थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन एपिसोड्स आते रहेंगे सो हियर द क्वेश्चन नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सिक्स सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई कहां है वन टू फाइव वो ऑलरेडी आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं ठीक है इफ सम स्टूडेंट्स आर नॉट कंटिन्यूसली रिवाइजिंग तो प्लीज पहले उसे देखिएगा फिर यहां से हम लोग शुरू करेंगे एंड दैट पर्टिकुलर एपिसोड इज मेनली फोकस्ड अपॉन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फाइन सो लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑनवर्ड्स नाउ हियर द इंस्ट्रक्शन आर वेरी क्लियर एंड सिंपल क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन इट इज ऑनली वन ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर फाइन सो अगेन लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन वंस अगेन आई वुड लाइक टू इम्फिसाइज ऑन दिस आस्पेक्ट कि प्लीज इस पूरे चैप्टर में कुछ मत पढ़े अगर आप मन नहीं करता है मुश्किल लगता है फॉरगेड बट सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट वाई डी एस ई अच्छे से कर लीजिए एक फुल क्वेश्चन तो परफेक्टली आपका क्लियर होना ही होना है फाइन तो वहीं से शुरू करते हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दैट इज वाई डी द वाई कोआर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि विड्थ ठीक है वाई कोआर्डिनेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड टेंथ मैक्सिमा आर टू सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ओके when the ydsc operator is immersed in a liquid of refractive index 1.5 the corresponding y coordinates will be how much change will be what ठीक अगर आप पहला वाला इसका सीक्वेंस uh, देखेंगे 1 टू 5 क्वेश्चंस का तो वहां मैंने दो कांसेप्ट यूज किए हैं बहुत क्लियरली नंबर एक नॉर्मल ydsc की बात करी नंबर दो आई इंट्रोड्यूस्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट इन वन ऑफ द रेस अब यहां मैंने क्या किया सेकेंड आस्पेक्ट पूरा का पूरा सेटअप प्लेस्ड इन लिक्विड सो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज हम लोग उसको एनालाइज करेंगे तीन ही आस्पेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट हैं प्लेन वाइडीएसी ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट इन एनी ऑफ द रेस इन दाथ एंड थर्ड वन इज योर दिस सेटअप इन साइड अ लिक्विड चलिए देखते हैं कि भाई क्या किया जाए छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इस आंसर को समझने की कोशिश करते हैं देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का फ्रिंज विड्थ। याद करिए क्या था फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि फ्रिंज विथ वीटा या डब्ल्यू जो भी आपका मन करे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैमडा फाइन अच्छा अगर फ्रिंज विथ जो है वो लैमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर लैमडा बढ़ेगा तो पुअर गाय बीटा विल इंक्रीज इफ लैमडा विल डिक्रीज तो ये डिक्रीज सीधा सा रिलेशन है ठीक ये बात मैं बोल क्यों रहा हूं देखिए आप याद करो जब हम इस पूरे सेटअप को पानी में रखते हैं या किसी भी लिक्विड में रखते हैं तो यह एक अलग वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है कि द इंटायर सिचुएशन विल चेंज बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बेसिकली लैमडा बेचारा बढ़ जाएगा अब अगर यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा कितना तो यह देखिए वैल्यू गिवन है मुझे 1.5 टाइम्स तो यह 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा ठीक देखिए वो जो स्टेटमेंट है मैं उसे मेंशन कर रहा हूं इन लिक्विड ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा ये घटा तो ये भी घटा ये बस सिंपल ध्यान रखिएगा इन लिक्विड लैमडा विल रिड्यूस याद करिए रिलेशन क्या थी लैमडा डी अपॉन म्यू डी फ्रिंज के बीच की स्पेसिंग तो चेंज होने से रही फ्रिंज Uh, मतलब स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी भी नहीं चेंज होगी तो बेचारा किसको कम होना पड़ेगा लेमडा को सो इन लिक्विड लैमडा विल रिड्यूस देयर फोर दिस इंप्लाइज दैट फ्रिंज विथ अरे बीटा लिख देते हैं क्यों हम लोग इतना लिखें है? है ना देयर फोर बीटा विल ऑल्सो रिड्यूस ठीक कितना 1.5 टाइम्स या आप लोग बहुत अच्छा लिखना चाहते हो तो 3 बाई टू टाइम्स इट्स टू यू ठीक है हालांकि ये सारा काम हम रफ पे कर रहे हैं क्योंकि हम एग्जामिनेशन सेंटर पे हैं जेई एडवांस एग्जाम आपका सीबीटी मोड में है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका तो ये सब रफ पे ही हम कर रहे हैं लेकिन मुझे आपको प्रॉपरली समझाना है आप इसको जल्दी जल्दी करें बट आफ्टर प्रैक्टिस ठीक है so a fringe width beta is directly proportional to this therefore beta will also reduce 1.5 times fine in vacuum ध्यान दीजिएगा एक सेंटेंस in vacuum क्या है spacing है भाई वैक्यूम में स्पेसिंग है दो सेंटीमीटर और पांच सेंटीमीटर तो इनका डिफरेंस तीन सेंटीमीटर हो गया इन वैक्यूम स्पेसिंग इज फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर ठीक लेकिन अब जब हम इसको आ, आ, किसी लिक्विड में लेके आएंगे बट इन लिक्विड स्पेसिंग विल बी टू सेंटीमीटर अब यहां पर आप में से कुछ बच्चे जरूर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे ये आपको थोड़ा सा थिंक करना है फाइन अब मैं इसको तो नहीं बताऊंगा बिकॉज वी हैव डिवोटेड गुड अमाउंट ऑफ टाइम फाइन सो एक एक और फैक्ट पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट चें ठीक है ये वो फैक्ट है जो हम लोग जब वाई की शुरुआत करते हैं सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये हमेशा इंफिसाइज करते हैं कि डू वट एवर यू वॉन्ट बट प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट शीट इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन चेंज नहीं होगी फाइन तो जो सेंट्रल मैक्सिमा अब यहां पे आप देखिए सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो टेंथ मैक्सिमा यहां पे बात कर रहे हो सेंट्रल मैक्सिमा टेंथ मैक्सिमा सो इट इज गोइंग टू बी सेम रिमेनिंग टू बी सेम तो यहां से जब मैं बात करूंगा तो एक वैल्यू तो देखिए मेरे पास आ गई टू सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू इसके साथ आएगी फोर सेंटीमीटर की सो so, इतने लंबे सोल्यूशन को करने की जरूरत मुझे सिर्फ इसलिए थी कि आई वॉन्ट टू पुट फोकस ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट ऑस्पेक्ट जहां से कि आप निकाल सकें ये वैल्यूज ठीक है सो सिक्स सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट्स नॉट लाइक दैट इट्स अ बिग क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है हाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको और बेसिक फैक्ट्स जो है वो हम लोग यूज करेंगे मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर सेवन द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन यूवाई डी एस इज आई नॉट ये एक ऐसा टॉपिक है इतना सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है कि इससे अगर क्वेश्चन आपको मिलता है सो द प्रोबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग रॉन्ग आंसर इज वेरी लार्ज बिकॉज़ ड्यूरिंग द रिविजन आप लोग इस छोटे से कॉन्सेप्ट को नहीं 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 ये फॉर्मूला तो मुझे याद है और जब करने चलते हैं एग्जाम में या प्रैक्टिस में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुश्किल देते क्योंकि जहां पे एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वहां तो आपके पढ़ने का मोड रहता है ऐसा जो ईजी होता है अरे ठीक है ये तो मुझे पता है तो प्लीज ये चीज नहीं करनी है सोचिए मैक्सिमम इंटेंसिटी इन यंग्स डबुल एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट इसका मतलब है ओरिजिनल ठीक वॉट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन अ स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इट सेल्फ इज लैमडा बाई फोर तो सबसे पहली चीज जो आपको याद करनी है वो है फॉर्मूला ऑनेस्टली स्पीकिंग सोचिए कि क्या आप इस फॉर्मूले को ढंग से रिकॉल कर पा रहे हैं टू पाई अपॉन लैमडा इंटू डेल्टा ठीक है होता है समटाइम्स कि हम इजी फॉर्मूले भी मिस आउट करते हैं प्रैक्टिस करना अच्छा रहता है ठीक अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो भाई मेरे पास एक तो ये हो गया और लेकिन मुझे given कितना है तो ये है लेमडा बाई फोर अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो भाई ये हो गया कैंसिल टू से ये टू चला गया तो बेसिकली फाइव मुझे मिल गया पाई बाई टू या नाइनटी डिग्री चलिए कोई बात नहीं अच्छा एक चीज मैं और करता हूं दैट इज क्या प्रॉब्लम है वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड ठीक तो मुझे मिला फाइव बाई टू इज इक्वल टू फाइव बाई फोर फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू अच्छा तो इसलिए हमने five नरिक के फाइव बाई टू किया था जी जिससे कि मुझे ये वैल्यू यहां पे सीधे सीधे मिल जाए तो अब देखो आप पाई बाई फोर रखेंगे, मतलब क्या हुआ? 45, 45 होता है वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, रूट टू का स्क्वायर किया टू, टू, ठीक है? वन टू का ये मुझे दे जाएगा तो अब चलें हम लोग जरा इसका आंसर पता करने की कोशिश करें आई नॉट बाई टू ठीक है ये आपके सामने सोल्यूशन है बीच में मैं हूं यहां आपके सामने आपका आ, जो है ये पर्टिकुलर अप्रोच है फाइन नाउ आफ्टर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मैं फिर से एक बार बता दूं प्लीज इसके ऊपर हम लोग इम्फेसाइज करेंगे <coughs>

थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए पहली बात तो यहां इंस्ट्रक्शन चेंज है कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट आपको कंसीडर करना इट्स नॉट नेसेसरी लेकिन हो सकता है दूसरा कंसीडर अ केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस एज शोन ठीक है इसका मतलब यह हुआ मीडियम वन मीडियम टू मीडियम थ्री यहां से आपकी रेस आई

सिंपल ग्लास ऑफ वाटर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल दिस विल बी इन फ्रंट ऑफ यू थिकनेस ऑफ फिल्म इज इक्वल टू ऑफ़ द लाइट इन म्यू टू अच्छा एक बड़ा कैच पॉइंट है जो वेवलेंथ यहां होगी क्या वही यहां रहेगी सिक्स क्वेश्चन सोचिए चेंज हुई थी <coughs> तो वो चेंज होगी तो राधर देन ये कहने के कि भाई ये वेवलेंथ है उन्होंने कहा कि जो इसमें वेवलेंथ होगी वो इसकी थिकनेस है फाइन अब मुझे यह पता लगाना है कि आउट ऑफ दीज फोर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ठीक है अभी हम लोग ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे बेसिकली हमें रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट की बात करनी है कि कब वो मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी फाइन यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मुझे म्यू वन म्यू टू और म्यू थ्री का म्यूचुअल रिलेशन पता करना है कि कि वो क्या है फाइन चलिए इट नॉट स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इट शुड बी लाइक दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एंड इट इज म्यू टू इंटू टी अब एक बात सोचिए कि मैंने ये ना लिख के ये क्यों लिया क्योंकि मुझे वेवलेंथ जो है वो म्यू टू के लिए कंसीडर करनी है ठीक सो डेल्टा एक्स यानी जो भी पार्ट डिफरेंस आएगा इज इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू इंटू टी अच्छा ये खुद किसके बराबर हो जाएगी तो भाई ये बराबर हो जाएगी ट्वाइस म्यू टू अब जरा टी के बारे में बात करते हैं कि ये जो टर्म है आई रेड कलर चॉक चलिए इसको मैं मार्क कर देता हूं ठीक है ये जो टी है इसकी वैल्यू क्या आएगी तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं ये तो हमारा बेसिक रिजल्ट है ठीक तो जब मैंने इसको रिप्लेस किया तो मुझे जब ये मिल गया तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं अच्छा जरा इसके बारे में सोचिए ये बेचारा क्या है ठीक यहां मैंने आपको बोला ना एयर ऑयल लिक्विड पानी तो वो मैंने लिख दिया लेमडा एयर अपॉन म्यूटू अब म्यू टू और म्यू टू कर दिया मैंने कैंसिल मुझे सिंपली मिल गया टू लैमडा एयर इसका मतलब यह हुआ कि जो ये थिकनेस आई ना वो इस लैमडा से डबल आ रही है मुझे साफ साफ दिख रहा है फाइन तो एक वैल्यू अब हम लोग जरा यहां पे प्लेस कर देते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, टू ट्वाइस लैमडा एयर अब जरा सोचिए जो दो रेज रिफ्लेक्ट करेंगी डेंसर मीडियम से लिसन वेरी केयरफुली मैं लिखूंगा नहीं जो दो रेज रिफ्लेक्ट करेंगी डेंसर मीडियम से उनमें फेज चेंज आएगा पाई का The two rays which will be reflected from denser medium will suffer a phase change of pi. Fine, my these words are going to be the part of your recording. So, when we will try to find out the phase difference, so what I will get? I will get pi minus pi is equal to 0. Should I repeat my statement? रेस विच विल बी रिफ्लेक्टेड बाई डेंसर मीडियम विल सफर अ फेस चेंज ऑफ पाई सो टू रेज विद सेम फेस चेंज डिफरेंस इज पाई माइनस पाई इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है सोच लीजिए ठीक आफ्टर दैट हां इसको लिखा रहने दे सकते थे सिमिलर सिचुएशन जो मेरी आनी है कि वही रेस जब अंदर जाएगी लेस डेंसर मीडियम या बाउंड्री पे तो फेस चेंज क्या होगा नथिंग दूसरी में फेस चेंज क्या होगा नथिंग नथिंग माइनस नथिंग इज इक्वल टू नथिंग फाइन जीरो सो ट्रांसमिटेड लाइट विल बी मैक्सिमम इन दिस कंडीशन देखिए रिफ्लेक्टेड वाला तो क्लियर है वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया ठीक अब ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड वाले के लिए जब मैंने ये कंडीशन लिखी ठीक है बाउंड्री कौन सी है कोई डेंसिटी नहीं है थोड़ा उससे उससे ज्यादा डेंस डेंस है है ये कम है. आप देखो ना ऑयल और पानी अगर लो तो ऑब्वियसली आपको फील होगा ऑयल इज मोर डेंसर हनी पानी हनी ऑयल सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन प्रैक्टिकली आल्सो एक्सपीरियंस फाइन सो लॉजिक अगर हम अप्लाई करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में हम कम टाइम में जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं भाई फिजिक्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैथमेटिक्स की तरह खाली फॉर्मूले नहीं लगने हैं ठीक है ना हैव टू वर्क अपॉन इन दिस फैशन कि मुझे फिजिक्स भी सोचनी जैसे कि मान लीजिए मैं फॉर्मूला लिखूं F इज इक्वल टू थोड़ा रेफरेंस समझिएगा माइनस जी एम वन M1 M2 एम आर स्क्वायर अब यहाँ पे मैथमेटिकली तो सारे टर्म्स समझ में आते हैं ये माइनस का मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं है माइनस का मतलब फिजिक्स के हिसाब से है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्टूडेंट्स इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव इन नेचर ठीक आफ्टर दैट इट इज क्वेश्चन नंबर नाइन अच्छा नौ और दस दोनों मैंने इंटीजर टाइप डाले हैं रीजन एक बड़ा सिंपल सा था कि इस क्वेश्चन में आपको पूरा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और अगर कहीं कैलकुलेशन में या सोचने में गलती होती है तो ऑप्शन के थ्रू चेक करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है और आजकल आजकल नहीं बल्कि फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स आई एडवांस एग्जाम मोर फोकस ऐसे क्वेश्चन पे है पहले वो आया करता था व्हेन आई वाज इन द फ्रे ऑफ दिस आई एग्जाम वो फिन द ब्लैंक्स एंड सो ऑन नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट फाइन टू बीम्स ऑफ लाइट ट्रेवलिंग हैविंग इंटेंसिटीज आई एंड फोर आई बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है इंटरफियर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंच पैटर्न ऑन अ स्क्रीन ठीक है एक सेकेंड आई वन इज इक्वल टू आई फोर आई ठीक द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज पाई बाई टू फेज डिफरेंस का फॉर्मूला अभी दो मिनट पहले पांच मिनट पहले मैंने लिखा था पाई इज इक्वल टू अपॉन डेल्टा एक्स वो है आपके पास एट पॉइंट ए एंड पाई एट पॉइंट पॉइंट बी ठीक दो point की बात की जा रही है मतलब ये फॉर्मूला मुझे दो बार लगाना है कौन सा फार्मूला एम जस्ट कमिंग देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट ए एंड बी इज एक्स इंटू आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अब हुआ क्या कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए चलिए बड़ी मुश्किल से एक रिजल्ट याद आया मुझे आई इज इक्वल टू आई वन सॉरी प्लस आई टू प्लस ट्वाइस आई वन आई टू कॉस ऑफ ठीक। वेल आई शुड नॉट सॉल्व दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज आई वन की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है आई आई टू की वैल्यू मुझे गिवन है फोर आई ठीक और एक बार देखिए तो एट पॉइंट ए पाई का एंगल है दूसरी बार और दूसरी बार ये पाई बाई टू का एंगल है तो मैं थोड़ा और किनारे आता हूँ अब आप जरा ये सोचिए यह पता है ये पता है यह भी मुझे मालूम है ये वैली दो बार रख के क्या मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ चलिए एक के लिए निकाल लेता हूँ मैं दूसरे के लिए आप कर लीजिएगा मैं आंसर बता देता हूँ आपको यहां पे मिलेगा I इज इक्वल टू आई प्लस फोर आई प्लस टू अच्छा इसको रखेंगे तो i 4i ये हो जाएगा 4i स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे मतलब अंडर रूट तो मुझे मिल जाएगा 2i ठीक इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे अच्छा पाई की वैल्यू अब आप कंसीडर कर लो कि cos 180 है फिर पाई 2 है तो अल्टीमेटली यहां से मुझे मिला 4 5 4 9 तो अब आई मैक्स और आई मिन अगर मैं करूं तो फार्मूला क्या होता है मेरा आई मिक्स I max के लिए होता है अंडर रूट आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस आई टू ठीक है तो उस पर जब मैं इसे रखूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 9, और दूसरा वाला मेरा आएगा फाइव तो नाइन डिफरेंस फाइव मुझे मिलेगा फोर आई अच्छा इसको जरा कंपेयर करिए इसके साथ में तो एक्स बराबर मुझे मिलना चाहिए फोर ये हो गया मेरा आंसर इस फॉर्मूले को लगाना याद करना सॉल्व करना आई थिंक इज एनी नॉट डिफिकल्ट फॉर एनी वन ऑफ यू फाइन बड़ा फंडामेंटल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन प्लीज कोशिश करिएगा कि कभी गलत ना हो ये बहुत मार्क्स फेचिंग होते हैं जो बच्चे इनको कर ले जाते हैं ना उनका रैंक काफी अच्छा अपने आप बन जाता है क्योंकि विदाउट एनी एफर्ट यू आर गेटिंग द सोलूशन देन कम्स क्वेश्चन नंबर टेन मैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस एपिसोड की एंडिंग भी वाई से करना चाह रहा था बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने ये पिक किया इन यंग्स एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद द ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस टी अब बना ही देता हूँ ये शायद फोर्थ टाइम होगा मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं आप लोग भी जब प्रैक्टिस करिए तो प्लीज प्रैक्टिस बार बार डायग्राम बना के ही करिए आपके लिए ही ये अच्छा रहेगा S1 हो गया S2 हो गया कभी गलत होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं रहेगी फाइन अब यहां पे मैंने एक शीट इंट्रोड्यूस कर दी ठीक है ये म्यू है ये टी है एक रिक्वेस्ट करूंगा ये पूरा जब मैं समझा दूं क्वेश्चन उसके बाद वीडियो रोकिएगा जरूर और ट्राई करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया तो प्लीज ट्राई करके देखिएगा कि क्या आप कंफर्टेबल हो रहे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ ठीक है अच्छा इसकी थिकनेस मुझे गिवन है ड्यू टू विच पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट टू अ पोजीशन ओरिजिनली ऑक्युपाइड बाय थर्टीथ ब्राइट फ्रिंज इस पर्टिकुलर लाइन पे मैंने बहुत किया है अपने पहले वीडियो में भी और यहां भी मैं बोल रहा हूं अगर मैं वाटर में डालूंगा तो सेंट्रल फ्रिंज चेंज नहीं होगी लेकिन अगर मैं शीट इंट्रोड्यूस करूंगा तो शिफ्ट करेगी ये भी एक डिफरेंस मुझे यहां क्रिएट करना था ठीक आपको पता लगाना है कि द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द शीट क्या है अगर लैमडा छ हजार एंगेस्ट्रॉम इज दिस पॉइंट थ्री एक्स तो अब आपको वैल्यू पता करनी है एक्स की ठीक प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योर सेल्फ चलिए वेलकम बैक आफ्टर पॉजिंग द वीडियो लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन फ्रॉम माई साइड और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं इट्स अप टू यू आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग जब खुद स्टडी कर रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले ना वर्कआउट करते रहिए और उनको थोड़ा मार्क कर दीजिए रेड कलर से या किसी भी तरह से तो जब आप रिवाइज करें जल्दी जल्दी तो ये फॉर्मूले स्टिक कर जाने चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे छोटे रिजल्ट्स बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं फॉर टाइम सेविंग एंड फॉर गिविंग यू करेक्ट आंसर्स वेरी क्विकली ठीक अच्छा ये फॉर्मूला में जब डालूंगा तो मैंने लिखा एन इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इन टू टी लैम्डा तो यहां से अगर मैं म्यू मतलब सॉल्व करके मैंने निकाला है तो म्यू इज इक्वल टू एन लेमडा बाई टी प्लस वन चलिए जरा वैल्यूज रखना शुरू करते हैं लैम्डा की वैल्यू मुझे गिवन है वो मैंने रख ली की वैल्यू मुझे गिवन है वो मैंने यहां पे रख ली सॉल्व किया सो so मुझे ये जो आएगा म्यू इज इक्वल टू इट्स गोइंग टू बी योर फाइव ठीक अब जरा कंफ्यूजन होगा आपको कि म्यू अगर फाइव आ रहा है तो उसको यहां कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वेरी सिंपल पॉइंट थ्री इंटू फाइव सोचिए क्या मिलेगा मुझे वन पॉइंट फाइव ये हो गया मेरा म्यू फिनिश ठीक है ये नॉर्मल रेंज है अगर मैं इसको कहीं कर देता मान लीजिए 2.4 हम लोग ले लेते हैं डायमंड चेंज करेगा आ, हम लोग ले लेते हैं ग्लिसरीन 1.73 जाएगा हनी ठीक है ना तो ये वेरी करेगा तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा यहां तो मैंने आपको सिंप्लीफाइड वर्जन दिया है अगर इसकी वैल्यू को हम लिक्विड चेंज करते हैं या मतलब जो भी ट्रांसपेरेंट शीट है वो चेंज कर रहे हैं सपोज मैं डायमंड यूज कर रहा हूं या माइकाशीट यूज कर रहा हूं तो अकॉर्डिंगली वो वेरी कर सकता है तो हो सकता है नंबर इतना सिंपल ना आए ठीक है सो प्लीज आई एम एंडिंग विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेयर आर एम इंट्रोड्यूसिंग अ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ सम थिकनेस एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू और हाँ एन की वैल्यू कितनी है वो थर्टी ये मत सोचिएगा कि भाई एन कहाँ से ले आए ठीक है So after solving this, we are getting the value of uh, x is equal to uh, 5. Hopefully up equations force karenge. Please keep revising, keep watching, enjoy the solutions, take care of yourself, have a nice time.